सूजी सूजी आंखों के साथ चलो आज का करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और हम लोगों को सबको सुबह सुबह पापा ने उठा करके बोल दिया कि चलो जल्दी से उस वाले घर पे साफ सफाई करनी है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, कुछ भी आइडिया नहीं था। हमें लगा उस घर मतलब ऑलरेडी हो गया है, बन गया है, तो शायद साफ सफाई करने का दिल हो पापा का, इस वजह से हम लोग को बुला लिया। तो मैं मम्मी और मेरे भाई और बहन ऑलरेडी भी जा चुके थे, तो उसके बाद हम लोग गए साफ सफाई करने के लिए, डीप क्लीनिंग एक्चुअली। तो सबसे पहले घर पे जाते ही ना, मतलब मैंने तो पहले इग्नोर किया इस मिरर को, ठीक है। उसके बाद जब मेरा ध्यान हुआ, आई वाज लाइक वाओ मिरर लगा है। उसके बाद मैं सेकंड रूम में गई, यहाँ भी लगा है। अब मेरे दिमाग में आया पक्का इसमें भी लगा होगा। मैं फटाक से जा करके देखने लगी कि हाँ यार इसमें भी लगा। मैं ना कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई, इतना पिंटरेस्ट और ये इंस्टाग्राम देख देख करके ना पागल हो गया मेरा दिमाग। उसके बाद सीलिंग वाला भी चेक किया, लाइट की चल रहा है, कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है, एकदम मस्त क्यूट सा। उसके बाद जिस मेन काम के लिए आए हैं वो वाला काम स्टार्ट करते हैं, जी हाँ साफ सफाई का। तो पूरे तीनों रूम में, हॉल में, सब में जा करके, किचन में, सब में एक एक करके सबसे पहले तो क्लीनिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मोस्टली क्लीनिंग मैंने की हुई है क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, वरना ये सब काम ना मेरे को करने ही नहीं दिया जाता। मम्मी आराम से सब कुछ रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दी। मम्मी सिर्फ यहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए आई थी, बहुत कम। मैंने ही एक्चुअली मना कर दिया कि नहीं यार मम्मी मत करो, कि और भी क्योंकि अभी तो मम्मी थोड़ा बहुत ना उठ पे रही है, लेकिन 2 दिन से ना जब बेड पड़ी थी ना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, तो सब साइड हटाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लीनिंग आराम से चल रही है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इंजॉय कर करके, बात कर करके क्लीनिंग कर रहे थे। और किस पर्पस से हो रहा था एक्चुअली हमें कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद जब घर आए मम्मी, क्योंकि मैं तो पहले आ गई थी क्योंकि मैं सिर्फ घर पे क्लीन किया था, अंदर बाहर कुछ किया नहीं। उसके बाद ना घर आ करके कुछ इस टाइप का वेदर था यार, इतना सुंदर, इतना प्यारा, मतलब सच में नेचर कभी कभी ऐसा कर देता है ना कि आपकी आंखें ही नहीं समझ में आती। द नेक्स्ट डे हमें सेम डे पता चल गया था शाम को कि घर पे कल पूजा होनी है और कल सावन का लास्ट सोमवार है, रक्षाबंधन है, सब कुछ साथ में है। तो सुबह में मॉर्निंग में ये सब तैयारी मम्मी पापा सबको जा करके कर रहे थे। और वैसे भी मुहूर्त का टाइम तो 1:30 बजे था राखी का, उसके बाद ही पूजा होनी थी। घर पर हम लोग आराम से तैयार हो रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर छोटी वाली, तो मैं यहाँ पे उससे लगवा रही थी आलता। और इसको गेट रेडी विथ मी आप लोगों ने नहीं देखा है तो कमेंट कर देना मैं कैसी लगी ये भी बताना। उसके आलता लगवाते मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि देख ऐसे ऐसे करके आलता लगवाना। और अपने घर की खुशी अलग होती है यार, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने आज तक उस घर में जा करके मतलब एक होल नाइट स्पेंड नहीं की हुई है, लेकिन अब जा करके रहती हूँ ना, थोड़ा सा सुकून शांति तो अलग लेवल की आती। भले मैं जिस जहाँ पे अभी हूँ, यहाँ पे 25+ ईयर्स से हूँ, लेकिन फिर भी वो शांति सुकून तो उस घर में ही आती है। उसके बाद मैंने अपनी बहन को तैयार किया क्योंकि आज की हमारी जजमान ये है और ये हेयर स्टाइल मैंने बनाया। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और जी हाँ, आज मेरी बहन पूजा करने वाली है क्योंकि मम्मी पापा को कुछ रीज़न की वजह से पूजा करते नहीं बन रहा है, उसकी वजह से। तो घर की जो बेटियां हैं वो पूजा कर रही हैं, तो दीदी को तो बड़ा मिस कर रहे थे यार, मत पूछो। उसके बाद यहाँ पे कलश की जो स्थापना, जो कलश पहले रेडी हुआ था वो सारे कोनों पे, घर पे, एक एक रूम पे, सब में लग रहा था। तो ये चीज़ मैं कर रही थी और मेरी बहन जितना भी पूजा वाला काम था अंदर वाला, मतलब जो भी पंडित जी के साथ करना था, वो ये वाला काम ईशा मेरी बहन कर रही थी। उसके बाद वो पल्लू संभालने की आदत ही ना है, शी वाज लाइक कि मैं तो साड़ी ही पहनूंगी, तो उसको साड़ी भी मस्त, पता है आपको साड़ी पहनाने में सिर्फ मुझे 10 मिनट लगे, जैसे जैसे साड़ी पहना करके उस लाए। उसके बाद यहाँ पे इसको पूजा वूजा कराया, उसके बाद रसोई घर की पूजा हुई। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा देखने के लिए चली आई थी। और रसोई घर की पूजा होने के बाद, उसके बाद मैं इसको बता रही थी, देख पंडित जी बोल रहे थे आंचल से प्रणाम करने, उसको समझ में नहीं आया, मैंने उसे बताया था कैसे रखे कर। उसके बाद मम्मी यहाँ पे जो आटे की जो प्रसाद बनता है ना वो यहाँ पे बना रही थी। पहले मेरे को बनाने दिया था लेकिन मेरे से नहीं, मतलब चलाते नहीं बना था, बाकी घी हुई तो सब कुछ मैंने ही डाला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पूजा हो गई है, जो प्रॉपर पूजा होती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मेरी बहन ने ही किया हुआ था सब कुछ, आई एम सो हैप्पी कि उसने किया हुआ है यार, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद साइड बाय साइड मैं यहाँ पे खीर की भी तैयारी कर रही थी क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम था और ऑलरेडी 2 समथिंग बज गए थे। आराम से ना
2 बजे पूजा स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे 2:50 हो गया था, उसके बाद यहाँ पे हवन हो रहा था, तो हवन के लिए पंडित जी ने मेरे को बुलाया कि आप दोनों बहन हवन कर लो, उसके बाद राखी राखी बांधते बांधते तो ऑलमोस्ट 5 बज ही गए थे। आप लोगों के कितने बजे थे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे। और मैं सोच रही हूँ वीक में एक ब्लॉग तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ लॉन्ग फॉर्मेट में। कमेंट करके बताना कि आइडिया ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, किस टाइप का कॉन्टेंट आप लोग देखना चाहते हो ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और क्या ही बोलूँ, मतलब शब्द कम पड़ते हैं ऐसे ही मैं आप लोगों से बात करते करते ना। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का खाना था और हम लोगों ने खाया, 5 बज गए थे हम लोगों सबको खाते हुए, और हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा वूजा संपन्न हो गई आप लोगों की ब्लेसिंग से। थैंक यू सो मच।